अब अगर बात करें आने वाले टाइम की, एप्पल कल्टीवेशन की बात करें, आप सभी लोगों को मालूम है कि 3-4 स्टेट्स है हमारी जहां पे एप्पल कल्टीवेशन हो रहा है। सबसे ज्यादा एप्पल प्रोडक्शन वाइज, प्रोडक्टिविटी वाइज कश्मीर का है। वो इसलिए भी है क्योंकि वहां का जो टेरेन है वो सूटेबल है एप्पल कल्टीवेशन के लिए। हिमाचल का जो टेरेन है वो हमने सूटेबल बनाया है अपनी मेहनत के कारण, उसको एप्पल कल्टीवेशन के लिए तैयार किया है। वहां की जो वैली है वो बिल्कुल सूटेड रहती है। हाँ, उनकी कॉन्स्ट्रेंट्स अलग है, वैली है तो उनके चैलेंजेस अलग आ जाते हैं, पर जो कंडीशंस है वहां की वो बिल्कुल सूटेबल है एप्पल कल्टीवेशन के लिए। इसके बाद हिमाचल, आप ये हिमाचल के लगभग जो अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 8-9 मेट्रिक टन के आसपास की हमारी प्रोडक्टिविटी है, जो बहुत ही बहुत ज्यादा कम है अगर हम इंटरनेशनली कंपेयर करें। इवन इनफैक्ट अगर हम कश्मीर की भी बात करें तो 14-15 मेट्रिक टन के आसपास की प्रोडक्टिविटी है। एरिया भी इनका कश्मीर का बहुत ज्यादा है, हमारा लगभग 2.25 लाख एकड़ के आसपास का एरिया हमारे पास है। अभी हम दोनों स्टेट के अलावा अभी तीसरी जो स्टेट अभी काफी बढ़ चढ़ के आगे आ रही है इसमें, वो है उत्तराखंड, बिल्कुल पड़ोस में हमारे, काफी लंबा बहुत अच्छा एरिया इसमें एप्पल कल्टीवेशन में जा रहा है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारी अरुणाचल है, उसके अलावा नागालैंड से मुझे क्वेरी, हमारे कुछ फ्रेंड्स है जो साइंटिस्ट लगे हुए हैं वहां पे, हमारे क्लासमेट्स है, तो उनकी कुछ क्वेरीज आई थी। उनके मेरे ख्याल से इस बार कोई 10,000 पौधा नागालैंड गया है, डिपार्टमेंट के थ्रू गया है, तो वो लोग भी वहां पे उसको चाह रहे हैं, लो चिलिंग वेराइटीज जो है वो भी वहां पे अडॉप्ट करनी चाह रहे हैं। तो काफी और स्टेट्स भी है जो इसमें धीरे धीरे करके आ रही है। तो इससे निकल के क्या आ रहा है, कि कुछ चैलेंजेस, अगर मैं हिमाचल के ग्रोथ की बात करूं तो कुछ चैलेंजेस है हमारे लिए जो आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए आएंगे। उन चैलेंजेस को हमने किस तरह से एड्रेस करना है वो हमारे लिए बहुत सोच का विषय रहेगा, और वो कोई अकेला हम नहीं कर पाएगा, ना तो हम कंपनी वाले, जितने भी हम इनपुट कंपनी वाले हैं वो अकेले से नहीं कर पाएंगे, ना अकेले से यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट कर पाएंगे, ना ही फार्मर अकेले से कर पाएगा। ये कोलैबोरेटिव वे में सभी लोगों को इकट्ठा होके चलना पड़ेगा, तब जाके कुछ चैलेंजेस को हम एड्रेस कर पाएंगे। सबसे बड़ा कंपटीशन जो है हमारे को इंटरनल कंपटीशन है। इंटरनल मैंने बताया आपको कि उत्तराखंड में सेब लगना शुरू हो गया है, नॉर्थ ईस्टर्न में सेब लगना शुरू हो गया है, कश्मीर में जो एग्जिस्टिंग वेराइटी, देखिए कश्मीर में जिस तरह का टेरेन है उस तरह की अगर नॉलेज वहां पे ट्रांसफर होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हिमाचल वालों को अपना सेब बेचना, ठीक है। और वो चीज रिफॉर्म धीरे धीरे करके आ रही है, एवरी ईयर 4 लाख पौधा M9 रूट स्टॉक के ऊपर कश्मीर में लग रहा है, और वो प्रोडक्शन में आने वाला है लगभग 3-4 साल के बाद, है ना। तो उस वक्त हमारे लिए काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि एटलीस्ट फॉर लोअर एल्टीट्यूड, क्योंकि वो जो एप्पल तैयार होगा वो हमारे लोअर एल्टीट्यूड का जब एप्पल तैयार होता है उसके साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइज करेगा, तो वहां पे हमारे को दिक्कत आने वाली है। तो मैंने एक लिखा है कि इंटरनल कंपटीशन हमारे को सहना पड़ सकता है, उसके लिए